आइए सुनते हैं इस घंटे की ब्रेकिंग न्यूज। आज सुबह जाने माने इंडस्ट्रियलिस्ट कार्तिक की लाश को मेन हाईवे पर बने ब्रिज के नीचे पाया गया। लाश खराब हालत में एक चटाई में लिपटी हुई पाई गई। हैरानी की बात यह है कि पिछले 8 महीनों से 4 बड़े बिजनेसमैन का इस तरह मर्डर हुआ है। लगातार हो रहे इन मर्डर्स की वजह से मदुरई शहर के सारे बिजनेसमैन और साथी तहकीकात चल रही है, पता चलते ही आपको बता देंगे। में आ गई है इस मर्डर के पीछे का मकसद और इसमें किन लोगों का हाथ है, इसे पता लगाने में लगी हुई है। डर गया क्या? डर मत मुन्ना, अब मेरी बात सुन। रात के 2 बजे पुरानी हवेली के पास बनी पुरानी मिल पर पूरे 2 खोखा लेके आ जाना। तुम क्या मुझे धमकी दे रहे हो? अगर तू वहां नहीं आया ना, कल सुबह टीवी पर ब्रेकिंग न्यूज चलेगी, तेरे मर्डर की ब्रेकिंग न्यूज। हेलो हेलो हेलो, लाल भाई, इस बैग में 2 खोखा माल है। लगता है सबकी बुरी तरह से बजी पड़ी। शहर के सारे बिजनेसमैन को फोन लगा पकिया, अभी बहुत माल आने वाला है। ये धमकियां किसी और को देना, मैं नहीं आने वाला। हेलो हेलो, कौन बोल रहे हैं? ऐसे क्या बात कर रहे हो? नहीं 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 नहीं, आप गलत समझ रहे हैं। सर गुड मॉर्निंग। सर गुड मॉर्निंग। मणिशंकर, ये मेरे दोस्त हैं रत्नाकर। हेलो सर। हेलो। वही लोग इन्हें भी धमका रहे हैं, मैटर थोड़ा सीरियस है, इनसे भी 2 करोड़ की मांग की है। कार्तिक जिसकी मौत हुई वो मेरा बहुत ही अच्छा दोस्त था। ऊपर से हम बिजनेसमैन चाहे कितने अमीर दिखते हों, लेकिन बहुतों की हालत खराब रहती है। बिजनेस में जितनी कमाई नहीं होती उससे कई गुना तो हम पर कर्जा होता है, कई बार तो इंटरेस्ट भी नहीं भर पाते। शायद आपको सुनकर हैरानी हो, जब कार्तिक को धमकी का फोन आया तब उसके पास देने के लिए पैसे ही नहीं थे। उसका तो घर और ऑफिस तक बैंक के पास गिरवी पड़ा है। बैंक कभी भी उनकी नीलामी कर सकता है, उनके परिवार का गुजारा कैसे होगा? प्लीज सर, उन्हें छोड़िएगा मत। कहां बुलाया है आपको? मैं बस वहीं आ रहा हूं। रोकड़ा पूरा है ना? जी हाँ पूरा है। अब उनको पैसा मिल गया, अब सीधा अड्डे पे मिलेंगे। अबे देख इधर एक ट्रक आ रहा है। एल्बर्ट स्टार्ट नाउ। पुलिस आ गई, चल चल भाग। आइए आइए हमारे साथ चलिए, घबराइए मत। शहर के बिजनेसमैन से फिरौती मांगने वाले गैंग और पुलिस के बीच कल रात हुए एनकाउंटर में शहर के मशहूर गैंगस्टर भवानी का भाई बिल्ला उर्फ बाबू जलेला मारा गया। पुलिस अब उसके बाकी साथियों की तलाश में जुट गई है जो कल रात एनकाउंटर के वक्त वहां मौजूद थे। पापा इतना साफ करोगे तो कलर निकल जाएगा। बेटा तुम अपना फोन भूल गए, नीचे फेंक दो। ओके मां बाय। अब जाओ भी बेटा, देर हो रही है। जा रहा हूं। भाई वो घर से बाहर निकल गया, समझ गया। ठीक है भाई चलो कर रहे हैं। भाई शिवाजी नगर क्रॉस किया। ठीक है फॉलो करो। वो कोर्ट की तरफ जा रहा है। अरे कोर्ट ले। भाई रामनगर सिग्नल पहुंच गया।
हम सब आज यहाँ माइक एल्बर्ट के फ्यूनरल में शामिल हुए हैं। हम ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं कि वो एल्बर्ट की आत्मा को शांति दे और वो जहां भी हो सुख चैन से रहे। आमीन। ये पूरी सैलरी है, आपको हर महीने पेंशन भी मिलेगी। एल्बर्ट का कोई भाई बहन हो तो बता दीजिए, उसे डिपार्टमेंट में नौकरी मिल जाएगी। वो हमारा इकलौता बेटा था, अगले महीने उसकी शादी होने वाली थी, अचानक ही हादसा हो गया। अब हम किसके सहारे जिएंगे? हमें ये पैसे नहीं चाहिए, आप बस हमारे बेटे के कातिल को कड़ी से कड़ी सजा दिलाइए, तब हमें शांति मिलेगी। और कुछ नहीं चाहिए, बस हम चलते हैं। एल्बर्ट की बेरहमी से हुए कत्ल के बाद आज उनके माँ बाप ने आत्महत्या कर ली। सुसाइड लेटर में लिखा हुआ मिला कि वो अपने बेटे की मौत का सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाए, इसीलिए दुनिया छोड़कर जा रहे हैं। दिलचस्प बात यह है कि एल्बर्ट मर्डर केस में मुख्य आरोपी भवानी ने आज खुद हाईकोर्ट में सरेंडर कर दिया। उसे 15 दिन की पुलिस कस्टडी में भेज दिया गया है। शंकर, ऐसे ही इसको लेके पुलिस स्टेशन पहुँचो, मुझे इन्फॉर्म करना। इंस्पेक्टर, हैरानी हुई कि मैंने खुद सरेंडर कर दिया? अरे 15 दिन में बाहर आ जाऊंगा। लेकिन साला, आज के बाद कोई पुलिस वाला मेरे छोकरों पर हाथ नहीं डालेगा, सबको काट डालूंगा। What you say? फिर से बोलो, पुलिस वाले से डर नहीं लगता? वो देखो, उस पुलिस वाले को देख के तुम्हारी पतलून डर के मारे गीली हो जाएगी। अरे चला रहा हूँ पप्पा, तू कर दियो। और चाहिए? ए, जानता नहीं, मैं मदुराई का रहने वाला हूँ। ए, तूने जिसकी धुलाई की वो भी मदुराई का ही है। ये बता, तू क्या कोई बहुत बड़ा हीरो है क्या जो सब तेरे बारे में जानते हो? वैसे इसको मारने की खास वजह है ना, इस शैतान ने उस छोटे बच्चे के हाथ से बिस्किट छीना। बिस्किट के लिए? लेकिन धुलाई तो ऐसे हुई है जैसे डबल मर्डर या ट्रिपल चोरी की हो। ये तो क्या कर रहा है? मैंने ये बिस्किट उस बच्चे से पूछ के लिया। बात तो एक ही हुई, चल। अच्छा सुन यार, कल मैंने फोन किया तो तेरी आवाज थोड़ी अजीब लग रही थी, कुछ प्रॉब्लम है क्या? अब क्या बताऊं, छोड़ना, जाने देना यार। तू सच में जानना चाहता है क्या? कल मेरी जोरू ने मुझे दबा के मारा। अरे लेकिन क्या हो गया था? कल रात को मैं फुल टल्ली होके घर गया था, लेकिन मेरी गाड़ी फुल कंट्रोल में थी। हाँ, क्या चाहिए? दरवाजा खोलो ना जानू। काय नहीं, चढ़ा के आया है? नहीं, लगता है बियर बार की सारी बॉटल गटक के। अरे बाबा, दारू को हाथ तक नहीं लगाया। तो जाके अपने घर की घंटी बजाना जमाइला। मेले मेरे सर में दर्द काय को कर रहा है? छी, सॉरी। हाँ मीरा, कोई बात नहीं यार, मेरी जो अंदर तो चलो, आरती उतारती हूँ। तो ये कौन, ये तो निकल ली। कैरेक्टर के ढेले पड़ोसी के घर में क्या कर? अच्छा चल अंदर चल, तू बहुत कुछ गीला करना है तेरा, चल अंदर चल। इतनी पी के क्यों गया था यार? अब क्या करूं यार, मैं बियर बार वाले को बस करता रहा, लेकिन वो रिश्वत की तरह मुझे पिलाता ही रहा। रात को बीवी ने सारी उतार दी। अच्छा सुन, मैं एटीएम से पैसे निकल के आता हूं, तू यहीं रुक, जल्दी आना। हां अभी आता हूं। फिर अकेली रोड क्रॉस करना पड़ेगा, क्या करूं, किसको पकड़ूं? केयरफुल सौम्या, केयरफुल। अंकल के साथ कदम मिला, कोई एक्सीडेंट वैक्सीडेंट नहीं होगा।
अरे रुक रुक, लेफ्ट जाना है, लेफ्ट उधर नहीं, अपने को राइट में जाना है। अच्छा ये बता, मेरे घर में जगह होते हुए तूने रूम बुक करने को क्यों कहा? अरे अब बोलेगा भी, तू आने वाली 1 तारीख से ड्यूटी ज्वाइन कर रहा है, तो फिर 15 दिन पहले रूम बुक करने की क्या जरूरत थी? ड्यूटी ज्वाइन करने से पहले सिटी के क्राइम्स जानने हैं, सारे गुंडों से मिलना है। मिलना है मतलब? ड्यूटी ज्वाइन करने से पहले ही शहर की सफाई करने का प्लान है क्या? मेरा कोई सफाई वफाई करने का प्लान नहीं है। तो फिर डील, मैं गुंडों के साथ सेटिंग करना चाहता हूँ। लाहौल विला कुवत, मैं तो मरने ही वाला था। मुझे तो लगा था कि तू पहले दिन ही छक्के चौके लगा के सारे बदमाशों को रिटायर्ड हट करने वाला है। हाँ बोल बे ब्रोकर। अरे नहीं नहीं, वो वाली जमीन नहीं, उस जमीन के पास वाली जो दूसरी जमीन है ना, वो बुक कर दे। हाँ बड़ी वाली। अबे राहु के तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ेंगे, शनि भारी है, डील फिक्स कर दे। हाँ ओके। अच्छा सुन, सिटी के DRG के बारे में बता। ये DRG क्या होता है? डी यानी दादा, आर यानी राउडी, जी मतलब गुंडा, शॉर्टकट DRG। क्या बे शॉर्टकट? हाँ चलो मेरा लॉन्ग कट सुन। इस शहर का जो सबसे बड़ा DRG है वो सब छोटे मोटे DRGओं का बाप है, उसका नाम है भवानी। वो अकेला ही काफी है। एल्बर्ट के मर्डर के सिलसिले में उसे 15 दिन की पुलिस कस्टडी में रखा गया है। उसका एक राइट हैंड है जिसका नाम है बबलू शेट्टी। उसकी जब हटती है ना तो उसके चक्कू से गर्दन कटती है। और उस बबलू शेट्टी का एक चेला है जिसका नाम है महारिषि, एकदम हटेला है। और इन सबके ऊपर एक भेजा चलता है जिसका नाम है वकील पंकज लाल। उसे सब लाल कह के बुलाते हैं। और इस लाल के काले काम, मिनिस्टर चिन्ना स्वामी के लिए सरकारी जमीनों पर कब्जा करना, हवाला से काले पैसे को स्विट्जरलैंड भेजना, इलीगल कॉन्ट्रैक्ट्स अपने नाम करना, यू कहूं कि मिनिस्टर के सारे काले काम वही संभालता है। आज की तारीख में मिनिस्टर के वो सबसे करीब है। ये थी अपने DRG की कहानी। व्हाट अबाउट नेक्स्ट मूव? तूने बबलू शेट्टी का नाम लिया, उसे फोन लगा? अभी लगाता हूं। हां बोल हरी। भाई शहर के नए ACP 1 तारीख से अपनी ड्यूटी ज्वाइन करने वाले हैं। हां तो वो मेरा खास दोस्त है। ऐसा क्या? दरअसल वो आपके भी खास दोस्त बनना चाहते हैं। मेरे को शहर के बारे एक छोटा सा मैटर निपटाना है, तेरे को शाम को 6 बजे फोन करता हूँ। ओके भाई, शाम को 6 बजे फोन करके बताएगा। 6 बजे तभी उसे मिल लेते हैं। तब तक देवी के दर्शन करते हैं। हाँ ए क्या कर रहे? क्या करूँ, नई चप्पल खरीदी है, बचानी तो पड़ेगी वरना चोरी हो जाएगी। पुलिस वाले का दिमाग हमेशा शार्प होना चाहिए। अच्छा सुन, मंदिर में एंट्री मारने से पहले जमीन को छू के ऊपर वाले का नाम लेना चाहिए, शास्त्रों में लिखा है ये। ठीक है, ये भी करते हैं। कार दिला दे, 3 BHK दिला दे, रोज के कलेक्शन में बढ़ोतरी होने दे। ए, रुक, 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 रुक। चल निकाल। क्यों बे भैया, अभी चप्पल उतारे हुए 1 सेकंड भी नहीं हुआ, पैरों में अब तक चप्पल की बदबू आ रही होगी। चोरी करनी थी तो कम से कम 10 मिनट इंतजार करके चोरी करता। चोर कहीं नहीं, चप्पल चुराता है। मारो मत। वो क्या है ना, हम दोनों की चप्पल बिल्कुल एक जैसी है, इसलिए गलती हो गई। मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था। अच्छा चल, तेरी चप्पल दिखा। ये रही। अकल के अंधे, ये दोनों तुझे एक ही ब्रांड लगते हैं। इन्हें देख के तो सच में कंफ्यूज हो गया था। जी हाँ। क्यों बे, जब अकल बट रही थी तो तू क्या चप्पल चुराने गया था? झूठ भी बोलना नहीं आता तुझे है? इसे पहनने से अच्छा तो आदमी नंगे पैर घूम ले। सफेद कपड़े पहन के काले काम करना, शर्म नहीं आती? अच्छा एक बात बता, तुझे कैसे पता चला कि मैंने एक चप्पल को यहाँ और दूसरी चप्पल को वहाँ पार किया है? वो क्या है ना, ये मेरा रोज का बिजनेस है, अगर मैं नहीं देखूंगा तो और कौन देखेगा? जितना घटिया खुद है उससे घटिया तो चौक मारता है। आसपास देखना भी मत वरना चप्पल से मारूंगा तुझे। अरे चल ना यार, दोनों चप्पल एक ही जगह रख देता हूँ ताकि ये सेफ रहे। चल भाई देवी माँ के दर्शन करते हैं। ये मेरे साथ ज्यादा शाण भत्ती नहीं करने का है भाई, तू 1.5 छाणा है ना, तो मैं 2.75 छाणा हूँ। तूने किस हिसाब से वो लड़की को बोला है दादी का खंडाला? ये भाई वो प्राइवेट टैक्सी है क्या? हटेली बुद्धि। हरी हरी, आप बाइक पर बैठ। आता हूँ आता हूँ, रुक जा रुक जा। हाँ संजय, मेरी बेटी 2-व्हीलर चलाना सीखना चाहती है। ठीक है सर, लेकिन संभाल के कहीं कोई एक्सीडेंट ना हो जाए। जी आपकी बेटी आ गई, बात कीजिए। आपके पापा का फोन। सौम्या। यस पापा। तुम एक समझदार लड़की हो, देखो संभाल के चलाना, कहीं चोट ना लग जाए, जल्दबाजी मत करना। ओके पापा बाय। बेटा आप यू टर्न लेना कब सीखेंगी? मैं तो कब की तैयार हूँ, पर ये स्कूटी है जो मानती ही नहीं। ये गाड़ी अपनी मर्जी से चलती है। हाँ हाँ, रुको रुको। हाँ यूटर्न लेते वक्त थोड़ा आराम से, डरने की। अबे चलाने वाली से ज्यादा तो ये गुलाब उड़ रही है। अरे छोड़ यार, अब देख। हे भगवान, ये क्या कर दिया सर? तुम जैसा सिखा रहे हो उससे अगले जन्म तक नहीं सीखेगी। बच्चे को स्विमिंग सिखानी हो तो उसे पूल में धकेल देते हैं, बच्चा स्विमिंग सीख ही लेता है। आ,
अरे तू भी ना, पहले देख ये जिंदा है कि मर गया। मुझे यहाँ फूट गया। अरे ठीक है ना? मैं ठीक हूँ। क्या कर रहा है? चुपचाप मेरी बात सुनो और जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो। What happened? Happened? तुम्हारी वजह से एक आदमी का हो गया एक्सीडेंट। नहीं नहीं, ये सब मेरे कारण नहीं हुआ। हाँ, तुम तो यही कहोगी, लेकिन वो चिड़िया की तरह उड़ते हुए जो क्रैश हो गया, बेचारा बुरी तरह स्मैश हो गया। वो जो तरबूज ले जा रहा था, इसकी इतनी बुरी हालत हो गई है, तो पता नहीं उस कद्दू के दिमाग की क्या हालत हुई होगी। अब तो तुम पर दफा 302 306 लगेगी। इसका क्या मतलब होता है? मतलब जेल में उम्र कैद तक तुम कैद। डोंट क्राई, रोना है तो डेड बॉडी के सामने चल के रो। डेड बॉडी? बंद करो, मच्छर घुस जाएंगे। जल्दी बताओ तुम्हारे पास कितनी प्रॉपर्टी है? नो आइडिया। देन गेट आइडिया और खर्चे के लिए तैयार हो जाओ। यहाँ पर है, जल्दी आओ। बॉडी कहाँ है? डेड बॉडी कहाँ है? ए, अरे कद्दू की डेड बॉडी कहाँ है? कहाँ है डेड बॉडी? अभी कुछ ही देर में बाहर ले आएंगे, घर वाले आते ही होंगे अंतिम संस्कार करने के लिए। गया रे, अभी तो उसने गर्मी के मौसम का पहला तरबूज भी नहीं खाया था। छी, बदनसीब। इफ यू नो माइंड, जाने से पहले एक बार उसको टाटा बाय बाय बोल दो, तुम्हें अच्छा लगेगा। नहीं नहीं, मैं नहीं देख सकती, मुझसे नहीं होगा ये सब। डोंट वरी, ऊपर वाला है ना, घर की सारा शुरू हो गया, वो संभाल लेगा। बिना लाइसेंस के अगर किसी को उड़ाओ तो सेक्शन आईपीएल 2020 T20 के तहत तू टॉप गियर डालना, 5-7 साल की जेल हो सकती है, तुम्हें पता है? तो क्या करें? क्या करें मतलब, वो हर रात को तुम्हारे सपने में भूत बन के तांडव करेगा। वो अलग बात है कि रियल में भी वो घोस्ट ही लगता है। परिवार की इज्जत का भाजीपाला, सबका मुंह काला हो जाएगा, न्यूज़पेपर टीवी सब जगह तुम्हारे। रोना बंद करो, जो गया वो गया। रोते हुए अच्छी नहीं लगती हो, प्लीज रोना बंद करो। मुझे पेट बना के सब सेट कर रहा है। जाओ देखो उसे कितना वक्त लगेगा। क्या बात है, लड़की क्या मिल गई, दोस्त को नौकर बना दिया। घोर कलयुग रे बाबा। अरे रोने की जरूरत नहीं है, हम संभाल लेंगे ना। मैं हूँ ना तुम्हारे साथ, तुम बिल्कुल मत घबराओ। हम देखो बता रहा हूँ ना। ये कहाँ से? सॉरी भाई साहब, आपको ज्यादा चोट तो नहीं आई ना? अरे आप सॉरी काहे को बोल रही है, आपने तो मेरी जान बचाई है, आप तो एक फरिश्ता हो। ओए, ये वही है जिसने तुम्हें स्कूटर से उड़ाया था, भूल गए? कुछ नहीं भूला मैं, पता है आज मेरे ऑफिस में आग लग गई थी, अगर मैं ऑफिस चला जाता तो मैं भी बाकियों की तरह जल के मर जाता। वो तो मेरा नसीब अच्छा था कि आज मैं बच गया इस एक्सीडेंट की वजह से। ये साक्षात देवी है, इन्होंने मेरी जान बचाई। बीवी का फोन है। मेरी चिंता की वजह से सिर्फ एक दर्जन इडली खा पाई। हाँ मेरी चंपा कली, हाँ कुछ नहीं हुआ मुझे, एकदम मस्त हूँ मैं। वो एक्सीडेंट हुआ, हॉस्पिटल में आ गया। ए, सुनो तुम, तुमने ऐसा क्यों किया? सुनो सुनो, खून 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 की नदियाँ बह रही हैं। इतना खून तो मैंने ब्लड कैंप में भी नहीं देखा था। अरे बाप रे, छोड़ मुझे बोलने दे। हरी चक्कर आ रहे हैं, चक्कर आ रहे हैं, उसकी लाश देख के मुझे चक्कर आ रहे हैं। अरे कद्दू चला गया। ओ नो, हेलो, नाउ यू क्राइंग स्टार्ट, ये सिचुएशन परफेक्ट है। इसकी शांति अचानक क्रांति में कैसे बदल गई? मैंने तो सोचा इस बार का बेस्ट एक्टिंग अवार्ड मुझे मिलेगा, शायद इस लंबू ने इसको किस कर लिया होगा। मुझे ऐसे ठोक के क्यों गई? अबे येड़े, वो आदमी पैरों पर चलकर गया यहाँ से। जाते वक्त बाय भी नहीं बोला। मेरी बीवी को अगर ये पता चल गया तो इस बार वो तुझे मारेगी नहीं, खाने में जहर डाल देगी। उसका बनाया खाना जहर से कम होता है क्या? ए, बबलू शेट्टी का फोन है, बात करना। हाँ भाई, उसे ठीक शाम 7 बजे राजा राम के मेले में ले आना। सुपर भाई, सुपर। आते हैं भाई, आते हैं भाई, आते हैं। ठीक है ठीक है भाई, फोन रखता हूँ। इतना मुस्कुरा क्यों रहा था? ए, राजा राम का मेला देख, फिर जान जाएगा। जज 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 से जलवा, जो दिखाएगी फुलवा, एकदम गर्मा गर्म।
सर, हम सबको 3% ही देते हैं सर। 10% बोलकर आप बहुत ज्यादती कर रहे हो। अब देखिए ना सर, मदुरई शहर में सिर्फ 51 पुलिस स्टेशन है, जिसमें 51 इंस्पेक्टर्स, 150 सब इंस्पेक्टर्स, 3000 ऑफिसर्स हैं। हम हर महीने का 25 लाख रुपया देते हैं सर। हमें और भी लोगों को रिश्वत देनी पड़ती है। तुम्हारा धंधा यानी मटका, शराब के अड्डे, रियल एस्टेट, कॉन्ट्रैक्ट, किलिंग, एक्सटॉर्शन, दलाली, और तो और तुम सिटी के टॉप बिजनेसमैन को ब्लैकमेल करके हर महीने 3 खोखा तो कम से कम कमाते ही हो। देखो, एक एसीपी के अंदर कम से कम 4 से 6 पुलिस स्टेशन आते हैं। मुझे 10% दो और चुपचाप अपना धंधा करो तो डील पक्की। तुझे लगता है डील पक्की हो जाएगी? वो साला भवानी से बात करने के बाद ही मुंह खोलेगा। एक बात बता, तुझे लगता है मैंने बहुत चढ़ा लिया? नहीं यार, तूने सिर्फ 11 पैग ही तो लिए, फ्री में इतनी तो पीनी चाहिए। 11 पैग? बाइक नहीं चला पा रहा है, मैं चलाऊं क्या? बाइक मेरी प्रॉब्लम नहीं है, वाइफ मेरी प्रॉब्लम है, जिसने मार मार के मेरा कलर काला कर डाला है एवरी डे। तूने कभी सास बहू की सीरियल देखी है क्या? हाँ देखी तो है। याद कर उसमें कैसे बीवियां सज धज के राशन पानी लेके अपने पतियों को टॉर्चर करती है। मैं और कोई बहाने नहीं सुनना चाहती। सुना तुमने, शाम तक अगर मेरी बनारसी साड़ी नहीं आई तो भूल जाना मुझे। मेरी वाले भी ऐसी मारती है बस बिना मेकअप किए। आज फिर से पिक कर आए हो? पिछले जन्म में कुत्ती थी क्या? आज फिर से पिक कर आए हो? लगता है टेप अटक गई इसकी। आज फिर से पिक कर आए हो? गलती से अगर महंगी वाली दारू पी भी ली ना, जिससे बदबू नहीं आती, फिर भी उसको पता चल जाता है। ऐसे कैसे यार? मेरी माँ तुम्हारी कसम नहीं पी। तो चलो इसमें फूंक मारो, ये तो मुझे बेवड़ा साबित करके ही रहेगी। पी नहीं है तो डरते क्यों हो? मैं शहर भर में लोगों की अल्कोहल टेस्ट करता हूँ, और मेरे घर में मेरी बीवी मेरा ही अल्कोहल टेस्ट करती है। अगर ये न्यूज लीक हो गई ना तो मेरी इज्जत का कचरा हो जाएगा। कचरा तो तू रोज ही करता है, जैसा मैं कहता हूँ वैसा कर, बच जाएगा। जल्दी बोल, अब तू सीधा अपने घर जा। नाटक करके बहुत गुस्से में, कपड़े उतार, सीधा नहाने चला जा, फिर ब्रश करके फ्रेश बाहर आ जा। तुझसे सिर्फ साबुन की खुशबू आएगी, शराब की बदबू बिल्कुल नहीं आएगी, समझा? ऐसा क्या? चल तेरा भी आइडिया ट्राई करके देखता हूं। चल ठीक है, आराम से जाना। चल चलता हूँ, कल मिलते हैं। हाँ शेखर, क्या किया तूने? पता नहीं, शायद टायर पंक्चर हो गया है। लगता है किसी ने रोड पर कीले बिछाई हैं। टायर पे कोई कील मिली? भाई टायर पूरा फ्लैट हो गया है। भाई मुझे यहाँ एक बुलेट मिली है। क्या बुलेट? ए, ए, गन निकल, देखना संभाल के। कोई तो है भाई। ए, बच के, इधर कुछ आना है। विक्की कोड़े में साले भारा। ए, ए, ठोक डालूंगा। ए, ए, तू बबलू भाई को जानता नहीं है? बबलू भाई के आगे कोई सारा नहीं बनता। उन्होंने एक सब इंस्पेक्टर को दिन दहाड़े रास्ते के बीच मार डाला। अगर हम लीगली कुछ नहीं कर सकते तो ऐसे लोगों को एनकाउंटर में मार देना चाहिए। अगर लोगों का हमसे भरोसा उड़ गया और वो गुंडे मवालियों से डरने लगे तो फिर हमारी जरूरत क्या रह जाएगी सर? हम एनकाउंटर कर भी देंगे लेकिन मीडिया इसे बड़ा चढ़ा के दिखाएगी। एनकाउंटर करना पड़ेगा, पर ये हमारे कहने पे हो रहा है, ये ना तो लोगों को ना मीडिया को पता चलना चाहिए। हमारे डिपार्टमेंट तक तो इसकी खबर नहीं होनी चाहिए, लेकिन गुंडों की इसकी भनक जरूर होनी चाहिए। सर, इसके बारे में कुछ बताइए। 3 लोगों पर गोलियां चलाई गई हैं। तहकीकात जारी है। सर किसने किया होगा ये? जल्दी ही पता चल जाएगा। कहाँ है तू? त्रिची में। अरे मेरा फोन घूम गया रे। फिर से फोन घुमा दिया? भैया आपको ना 1200 रुपए वाला फोन यूज करना चाहिए। आते वक्त लेकर। फोन है क्या? हाँ। एक मिनट रुक, मधु बात करना चाहती हूँ। क्या जाए, त्रिची और मदुरई इतने पास होकर भी तुम हमसे मिलने नहीं आते? मैं वहाँ आया और किसी ने यहाँ बैंक लूट लिया तो मेरी नौकरी तो गई।
कभी सीरियस होते ही नहीं हो। ए सुन, मुझे उससे बात करने देना। अच्छा जय, माँ को तुमसे बात करनी है। हाँ, देना। चलो मुँह खोलो। जयंत बेटा। माँ कैसी हो? तेरी भाभी ने तेरे लिए तीन लड़कियां देख रखी हैं। तीन से शादी नहीं करूंगा, दो ठीक है। आप बात चला दो। ऐसा कौन से कानून में लिखा है कि पुलिस वाला एक साथ दो लड़कियों के साथ शादी कर सकता है? भाभी, मुझे लगा माँ है। अच्छा कोई बात नहीं, तुम्हारी भतीजी का स्कूल में आज पहला दिन है, तुम उससे बात कर लो। लो चाचा, आज मेरी स्कूल का पहला दिन है। ऐसा क्या मेरी गुड़िया, स्कूल जाना और खूब मस्ती करना, फ्रेंड्स बनाना। किसी ने कुछ बोला ना तो कहना चाचा पुलिस में है, उल्टा लटका देंगे। ओके चाचा, बाय। चल फोन रखती हूँ। हेलो माँ। हाँ बेटा। पापा कहाँ हैं? तुम्हारे पापा वो आप लोग हमेशा मुझे ही क्यों चुनते हैं? आप में से कोई सरपंच क्यों नहीं बन जाता? नहीं नहीं मोहन बाबू, इस गांव के लिए आपसे काबिल सरपंच कोई हो ही नहीं सकता। क्या हुआ, जय का फोन? हाँ जी। जय बेटा, घर कब आ रहे हो? 10-12 दिन लग जाएंगे पापा। ठीक है, लेकिन गाँव के मेले के दौरान तुम यही रहो तो अच्छा होगा। ठीक है, जल्दी आ जाऊंगा। क्या हुआ दोस्त, मेरा सॉलिड आइडिया काम कर गया ना? कर तो गया, लेकिन कहानी में ट्विस्ट आ गया। क्या बात कर रहे हैं? मैंने जो कहा था वही किया ना? तूने जो कहा वही किया। जंजीर फिल्म के अमिताभ की तरह एंग्री यंग मैन लुक लेके गया, बिना हिले डुले अपनी चप्पल उतारी, जेब से चाबी निकल के दीवार पर लटकाई, शर्ट के बटन उतार के शर्ट खोली, फिर हाथ से घड़ी उतार के कबर्ड में रख दी, और लुंगी लेके कमर में कस दी, फिर अपनी पैंट उतार दी। अभी ब्रश पर टूथपेस्ट लगाई ही थी और बाथरूम का दरवाजा खोल ही रहा था, और फिर क्या, मेरी वाइफ ने मेरा हाथ कस के पकड़ लिया। फिर से पी कर आए हो? भाभी को पता कैसे चला? ये सवाल मेरे मन में भी उठा था, तुम्हें कैसे पता चला? कैसे, तुम जैसा कोई बेवड़ा ही होगा जो घर में भी हेलमेट पहन के घूमता है। हेलमेट पहना है? मर गया। फिर वही बिना साबुन के धुलाई। हेलमेट के चक्कर में मेरा ऑमलेट बन गया यार। कानू गोरा और शेखर चिकने को कल रात किसी ने गोली मार दी। इस हादसे के बारे में एक दूध वाले ने पुलिस को फोन करके बताया। पुलिस छानबीन कर रही है कि मर्डर के पीछे किसका हाथ है और इन तीनों को मारने का मकसद क्या है। हमारे रिपोर्टर ने सीनियर, ये क्या हो गया यार, कल रात को तो उनसे मिले थे। हाँ, मतलब डील गई हाथ से। निशाना बनाया जा रहा था। तेरी डील भी गई और मेरी जमीन भी गई। अच्छा सुनना, उसके खास आदमी महारिषि से बात करना। हाँ यार, उसको फोन लगा के पूछता हूँ। उससे डील करेंगे, उसे भी ऊपर पहुँचाएंगे। क्या कहा? फोन करना यार। हेलो भाई, नमस्ते, मैं हरी बोल रहा हूँ। हाँ बोल। भाई ये सब हुआ कैसे? पता नहीं, हम पता लगा रहे हैं, तुझे पता चले तो बता देना। हाँ हाँ, पक्का पक्का। अच्छा एक और बात करनी थी भाई। अपना नया एसीपी 1 तारीख को मदुरई में ड्यूटी ज्वाइन करने वाला है। वो मेरा अच्छा दोस्त भी है भाई, वो आपसे मिलना चाहता है, मीटिंग कब फिक्स करे भाई? अभी नहीं, जो भी है 10 दिन बाद देखेंगे। ठीक है भाई, चला मैं तुझे बाद में फोन करता हूँ। चल फोन रख। क्या हुआ भाई? बबलू को किसने मारा? पता नहीं भाई, हम जल्दी पता लगा लेंगे। बोल रहा है 10 दिन के बाद देखेंगे। 10 दिन बाद? ड्यूटी ज्वाइन करने से पहले मिलता तो अच्छा होता। तू बोलना, अर्जेंट है। मेरे बाहर निकलने से पहले उसका पता चल जाना चाहिए। क्या है बे? भाई एसीपी को आपसे जल्दी बोला ना 10 दिन तक नहीं मिल सकता, इतनी जल्दी क्या हो रही है? फाइन, क्या हुआ? भड़क के फोन काट दिया यार। किसका फोन था? वो कांस्टेबल हरी का फोन था। एक काम कर, त्रिची में वेंकट राजा को फोन कर और उसको ये पूछ कि ये काम कहीं उसके छोकरों ने तो नहीं किया। ठीक है भाई। जरा लाल भाई से मेरी बात करवा। हेलो लाल भाई, भवानी बोल रहा हूँ। जब से बात हो गई है भवानी, तो 10 दिन में छूट जाएगा, टेंशन मत ले। थैंक्स लाल भाई। सर मिनिस्टर साहब बुला रहे। बोलो, आ रहा हूँ। हाँ। मिनिस्टर अंदर बुला रहा है, देखो बाद में फोन करता हूँ। आने वाले असेंबली इलेक्शन में टीएमके पार्टी ने वीरा स्वामी को त्रिची से। लाल मेरे खिलाफ टीएमके पार्टी ने एक सोशल वर्कर खड़ा कर दिया। अरे आप इसका टेंशन क्यों ले रहे हैं सर? आप इस कॉन्स्टिट्यूएंसी से 2 बार लगातार जीत चुके हैं, आपके रुतबे और ताकत के आगे ये टुच्चे नेता हवा हो जाएंगे। टीएमके पार्टी जो पैसा बहाएगी उसके आगे हम फीके पड़ जाएंगे। इस बार लगता है वो हर हालत में मुझे हरा कर ही दम लेंगे। मैंने रामा स्वामी की फैमिली को नाराज करके बहुत बड़ी गलती कर दी लाल। सर इलेक्शन में कौन किसको मार, आप बुरा ना माने तो मैं एक बार सेल्वम को मनाने की कोशिश करूं। सेल्वम मान जाएगा लाल, बात करके देखता हूं ना सर। हाँ लाल बोल। मिनिस्टर साहब बात करना चाहते हैं। लेकिन काम क्या? वो जो भी है वो मिलकर बात करेंगे। अचानक आज कैसे? देखो पुरानी बातों को भूल जाने में ही सबकी भलाई है। वैसे गुड न्यूज है तुम्हारे लिए, तुम्हारा फायदा ही फायदा है, ज्यादा सोचो मत, आ जाओ। लाल एक मिनट रुक।
कनाडा का पार्सल गया ना? हाँ, कल ही गया साहब। हाँ लाल, एक जरूरी काम है, उसको निपटाकर रात को बार में मिलते हैं। ठीक है सेल्वम, ओके बाय। यहाँ रख दो सर चकना। ठीक है, नमस्ते मामा। आओ सेल्वम बैठो। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा ना? हाँ सब ठीक है। इस बैग में 5 लाख हैं, हमारी पार्टी ज्वाइन कर लो और आने वाले इलेक्शन में तुम हमारी कैंपेनिंग करो, ठीक है? जीतते ही तुम्हें हाउसिंग डिपार्टमेंट का चेयरमैन बना दिया जाएगा, ये मेरा वादा है, ठीक है? ठीक है मामा, पर मुझे ये पैसे नहीं चाहिए। आप चेयरमैन बना दो, यही काफी है। आने वाले बुधवार को दादाजी की बरसी है, मैं उसी दिन पार्टी ज्वाइन कर लूंगा। बहुत अच्छी बात है। अच्छा मामा, तुम्हारी चेयरमैन की सीट पक्की। अच्छा सेल्वम, मिलते हैं। ठीक है सर। हाँ लाल, मिलते हैं। लेकिन सर, वादा तो नागराज को भी आप कर चुके हैं चेयरमैन बनाने का, तो फिर इसको कैसे? लाल, पॉलिटिक्स में चालें सिचुएशन देख के बदलती हैं, हम पलट भी तो सकते हैं। हेलो, बोलिए भैया। तुझे बताया था ना, चिन्ना मामा को मिलने जा रहा हूँ। हाँ? पार्टी ज्वाइन करने के लिए कह रहा था और आने वाले इलेक्शन में कैंपेन करने के लिए भी कह रहा था कि मुझे चेयरमैन बना देगा। आपने ये बात पापा को बताई? हाँ बताई ना, उन्होंने कहा कि तुझसे भी राय ले लूं। भैया मुझे ऐसा करना ठीक नहीं लग रहा है। ऐसा क्यों? मैंने उसे जबान दे दी है कि दादाजी की बरसी पर मैं उसकी पार्टी ज्वाइन करूंगा। ठीक है भैया, अगर आपको ठीक लगता है तो कर लीजिए। ठीक है। क्या बे बड़बोले हरी, पुलिस के नाम पर धब्बा है तू। इधर उधर क्या देख रहा है, तुझसे बात कर रहा हूँ। शुरू हो गया। क्या बकवास कर रहा है, तेरी तो। अच्छा हुआ हरी रोक लिया, वरना वहाँ आके मारता। हिम्मत तो देखो इसकी, इतना मारता कि हड्डियों का ढांचा बन जाता। बना बना ना, छोड़ ना यार। डर गया फट्टू हरी, डर गया रे। अबे कब से तुझे बुरा भला कहते जा रहा है? अरे बच्चा है, बोले फट्टू हरी। रुकना मत जा, चल निकल यहाँ से। वो क्या है ना, मेरा और उसका पुराना लोचा है। तेरा और स्कूल के बच्चे का? बस है कोई मजबूरी। ऐसी क्या मजबूरी है? वो बात ये कि, अरे उधर मत देख, इधर देख। दरअसल बात ये कि वो मेरे घर के पास ही रहता है। भैया भैया प्लीज, क्या कर रहा है गधा? तू चाहता है मैं झूठ बोलूं कि मैं तेरा बड़ा भाई हूँ? गांधी जी ने कहा है कि अगर झूठ से किसी का भला हो तो उसे झूठ नहीं कहते। गांधी जी का वास्ता दे दिया रे। मेरे पापा हमेशा कहते, पढ़ाई लिखाई में किसी बच्ची की मदद करो तो ऊपर वाला आपके अकाउंट में पुण्य क्रेडिट करता है। मेरे पापा की बात मैं टाल नहीं सकता था, इसलिए उस झोलर पर भरोसा किया और चढ़ गया सूली पे। मैंने तुम्हें अपने मम्मी या पापा को लाने को कहा था ना? सर मैं अपने बड़े भाई को लाया हूँ। बड़ा भाई? मैं क्या एलियन लगता हूँ? नमस्ते सर। सर ये मेरा छोटा भाई है। स्कूल में गुटली मार के फिल्म देखना ये बहुत गलत बात है सर, इस छोटी सी गलती। ये तो कुछ भी नहीं है भाई साहब, जानते हो तुम्हारा भाई स्कूल में क्या क्या घुल खिलाता है? सिगरेट पीता है, पान खाता है, थर्रा पीता है, बस में बाहर लटक के जाता है, अपने मोबाइल से लड़कियों की गंदी फोटो खींचता है, पता है बाथरूम में टीचर्स के नाम लिख के उसके नीचे उनका नंबर लिखता है। इसकी वजह से हमारे बाकी स्टूडेंट्स भी बिगड़ने लगे हैं। कुत्ते की पूंछ सीधी हो सकती, ये नहीं हो सकता। मुझे तो लगता है कि तुम भी इसके नकली भाई हो। पैसों की लालच देके भाड़े पे लेके आया तुम्हें। क्यों बे रास्कल, तुझे हम स्कूल में पढ़ने भेजते हैं या टपोरी गिरी करने के लिए? टीचर यानी भगवान का रूप, सुबह की धूप, और तू उनका नाम और नंबर बाथरूम की दीवारों पर लिखता है? शर्म नहीं आती कदे तुझे? तेरी माँ तेरे पापा सपना देखते हैं कि तू डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, लेकिन तू कुछ बनने की बजाय उनको बना रहा है बेशरम कहीं का। नहीं कम है धरती पे बोझ, ये टीचर भी मुझ पे तेरी वजह से शक कर रहे हैं। आज मुझे सारे मेरा भाई भाई नहीं है सर, कमीने तुम्हारा भाई नहीं है। क्या बोला, मैं तेरा भाई नहीं हूँ सर? मैं आपको बताता हूँ, ये मेरे बाप का लौंडा नहीं है, ये मेरे दादा का पोता नहीं है, ये मेरे मामा का भांजा नहीं है, नहीं है सर। मुझे वो चाहिए। क्या छड़ी? अबे नहीं बे, सॉरी सॉरी, चाकू चाहिए। अरे बच्चे से गलती हो गई, अगली बार ऐसा नहीं करेगा, मैं इस पे नजर रखूंगा। तुम जाओ, आज से ये मेरा बच्चा है, तुम फिक्र मत करो, जाओ। कमिटमेंट दे रहे हो? हाँ दे रहा हूँ। आपको मुझ पर शक तो नहीं? नहीं नहीं नहीं, होगा भी तो शक नहीं करूंगा, नहीं करूंगा। शर्म से डूब मरूंगा सर, इज्जतदार आदमी हूँ, मुझसे बेइज्जती सहन नहीं होती सर। नहीं, नहीं, आप मेरे खानदान को जानते नहीं हो। अरे मारूंगा, मारूंगा, खराब कर दूंगा, तभी तेरे भाई को संभाल लूंगा। तू जा 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 जा। ओवर एक्टिंग। अबे रुक बे बड़बोले भाई, चुप बे कसाई। अगर मैं अपने पापा को लाता तो वो मुझे सिर्फ एक चाटा मारते, किसी को नहीं लाता तो वो सर एक दो हाथ जमा के शांत हो जाते। ये कुत्ते की तरह तूने मुझे क्यों धोया?
वो क्या है ना भाई, उसने मुझ पे शक किया ना, तो वो शक क्लियर करने के लिए मुझे तुझे थोड़ा धोना पड़ा। तो तूने खुद को बचाने के लिए मेरी बैंड बजा डाली है? स्कूल में है ना, इसके लिए जाने दे रहा हूँ। अगर बाहर मिलता तो इतना मारता कि थोपड़े का नक्शा बदल देता। तू खुद को भी पहचान नहीं पाता। मेरे अकाउंट में डाल देना, खजूर छोड़ूंगा नहीं। मैं गया तो था एक्टिंग करने, लेकिन मुझसे एक्टिंग की जगह ओवर एक्टिंग हो गई। तुम इतने छोटे से लड़के से डरते हो? अरे तू समझता नहीं है, गुंडे मवाली तो धमकी देके भूल जाते हैं। ज्यादा से ज्यादा क्या करते हैं, कान के नीचे बजा डालते हैं और छोड़ देते हैं। लेकिन आजकल के ये लौंडे रामपुरी घुसा के भेलपुरी निकाल देते हैं और अपन सीधा ऊपर। ऐसा पुलिस वाला और डेंजर होते हैं आजकल के बच्चे। रोड पर बच्चों को अंदर की तरफ रखना चाहिए, सेफ्टी के लिए, ठीक है? ओके, बाय बाय। अरे अरे रुको, मेरी स्कूटी, चोर चोर चोर। आ जाओ बैठो। अरे सोचो मत, जल्दी बैठो। रुको रुको, वो रही मेरी स्कूटी वहां पर। ए, स्कूटी को हाथ लगाया तो काट के रख दूंगा। ए, तेरे को अलग से बोलना पड़ेगा क्या? अगर उसको हाथ लगाया तो काट के रख दूंगा। सुनो, तुम स्कूटी लेकर निकलो। नहीं, तुम भी मेरे साथ चलो। ए, निकल यहाँ से। आ जा। मेरी छोटी सी हेल्प कर सकते हो? पिटवाना है किसी को। बताओ क्या प्रॉब्लम है। कॉलेज के दिनों में विनोद नाम का एक लड़का प्यार करता था मुझसे। सौम्या, ये तुम्हारे लिए। मैंने कितनी बार कहा है, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। तुम्हें समझ में नहीं आता विनोद, मिस्ड कॉल्स पे मिस्ड कॉल्स, ढेर सारे मैसेजेस, टॉर्चर कर दिया था मुझे। 3 महीने पहले वो अपने साथ नर्सरी में एक गुंडे को लेकर आया। रमिया। हाँ? सौम्या किधर है? दीदी वो वहाँ पर है। सौम्या, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। ये क्या है विनोद, मुझे डराने के लिए इन्हें लाए हो? हेलो हेलो, ऐसा कुछ नहीं है, ये तुमको सॉरी बोलना चाहता है। भाई ये आप क्या कह रहे? सॉरी बोल। सॉरी सौम्या। अब चल निकल। भाई सुना नहीं, तुम्हारा नाम क्या है? सौम्या। हाँ, आज के बाद अगर मैंने तुझे सौम्या के आसपास देखा तो तेरी हड्डी पसली तोड़ दूंगा। चल जा भाई, चल इसको लेके जाया से, चल निकल। मैं अपनी बात बनाने आया था भाई, बात बिगाड़ के रख दिया। थैंक्स। अब वन सेकंड, एक्चुअली मेरा नाम महर्षि है। भवानी की गैंग का आदमी है। महर्षि भवानी की गैंग का है? मैटर सॉल्व हो गया। डर गए क्या? तुम बताओ ना, बताओ। 6 महीने पहले मैंने तुम्हें एक सिग्नल पर देखा था। पता नहीं क्यों एक ही दिन में मैंने तुम्हें 3 अलग-अलग जगहों पर देखा। उस दिन रात भर मैं सो नहीं पाया। मैंने डिसाइड कर लिया, अगले 6 महीने में अगर तुम मुझे दोबारा दिखी तो मैं सिर्फ तुमसे शादी करूंगा। तकदीर ने हमें आज फिर से मिला दिया। देखो, उसने मेरी जिंदगी को नर्क बना दिया है। मतलब विनोद का टॉर्चर खत्म हुआ तो महर्षि का टॉर्चर शुरू, सही कहा ना? ये मुझसे मदद मांग रही है, लेकिन मदद तो ये मेरी कर रही है। अच्छा,
तुम फोन करोगी तो वो आ जाएगा। कहाँ बुलाना है बताओ? जायंट स्क्वायर ग्राउंड के पीछे बुलाना। एक्चुअली मैंने यहाँ तुम्हें इसलिए बुलाया है। अगर तुमने कहा कि तुम्हारा बाप या तुम्हारा रिश्तेदार शादी के लिए तैयार नहीं है तो मेरा दिमाग खराब हो जाएगा। एक साड़ी में आना, रानी की तरह रखूंगा मैं तुम्हें। एक्चुअली से साड़ी पहनना नहीं आता बॉस। ए, तू कौन है? मेरा फ्रेंड। ए, ये देखो रे, हमको मारने के लिए एक लौंडा लाई है। ए, मुझे जानता तो है ना? जानता हूँ बॉस, लेकिन पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे दूँ फिर बात करेंगे। क्यों, तू यहाँ का डॉन है क्या? चल जा। बस 2 मिनट लगेंगे। चल ठीक है। अब सौम्या उल्टी घूम जा और 10 तक गिनो, पीछे पलट के मत देखना। जा। मेरा नाम जयंत है। हाँ तो 1 ये क्या कर दिया? मार डाला तुमने इन्हें? हाँ तो मेरी गर्लफ्रेंड को कोई सड़क छाप गुंडा तंग करेगा, मैं शांत रहूंगा क्या? मैंने इन्हें ही शांत कर दिया, अब हमारे बीच कोई नहीं आएगा। तुम भी मुझसे प्यार करते हो? सेम, लव एट फर्स्ट साइट। अब से याद रखो, कोई भी तुम्हें जरा भी तंग करे तो तुम्हारा फियांसे उन्हें सीधा कर देगा, ठीक है ना? क्या है अर्सौम्या, तुम्हारे लिए 3 लोगों का खून कर दिया, तुम हंसोगी भी नहीं क्या? मुझसे प्यार करती हो ना? तो मुझे आई लव यू कहो ना। आई लव यू। ओके जा जा। जाओ ना। You know her. Hello. तुम्हारे लिए जूस ऑर्डर किया, तुम और कुछ लोगी? और कुछ नहीं, ये ठीक है। तो आज मेरे जीवन में डबल खुशी का दिन है। पहली, आज मैंने अपने हाथों से रामास्वामी जी के पुतले का उद्घाटन किया, और दूसरी, रामास्वामी जी के पोते सेल्वम आज हमारी पार्टी में आ गए। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि हम फिर से इस स्टेट में हमारी सरकार बना कर रहेंगे। सब इंस्पेक्टर एल्बर्ट के मर्डर केस में पुलिस आरोपी भवानी शंकर के खिलाफ कोई पुख्ता सबूत अदालत में पेश नहीं कर पाई है। सबूतों के अभाव, गवाहों के बयान और वकीलों की जिरह सुनने के बाद अदालत भवानी को बाइज्जत रिहा करती है। आज उस लड़की को उठा रहे हो ना जिस पर महा का दिल आया था? आज ही उठेंगे। राइट में जो आदमी है उसी ने मारा है महर्षि को। इसके बगल में जो खड़ा होता है ठाकुर पुलिस स्टेशन का कांस्टेबल है। तुम्हें पक्का पता है? हाँ सर। राजेश जीप निकालो। जय, भवानी का फोन है, बात कर। हेलो। ए शाने, मैं जानता हूं तू कौन है, तेरी छमिया मेरे पास है, अभी के अभी सिल्लूर मिला जा। मैं आ रहा हूं। सब ठीक है ना? भाई हमसे मिलना चाहते हैं, तुम चलोगे साथ में? सुपर, एकदम सुपर। नहीं लेकिन पिछली बार की तरह लोचा मत कर देना, ढील एकदम फाइनल करना। चले। चाबी दे। ये ले।
ऐसे क्यों खड़े हैं जैसे राशन की दुकान में केरोसिन मिलने वाला है? सालों पुलिस वालों, मुझे सब पता है कि महर्षि को किसने मारा। भाई ये क्या कह रहे हो, हम तो आपसे सेटिंग करने आए हैं। मैंने ही ठोका है महर्षि को। ये सब कब और कैसे हुआ? और सिर्फ उसे ही नहीं, बबलू शेट्टी को भी उड़ा है, और तेरे साथ भी यही करने वाला हूँ। गई जमीन हाथों से, खत्म कर दो साले को। यहाँ जमीन के साथ साथ जान के भी ला लेंगे। हिम्मत है तुझमें, तू अपनी मनमानी करेगा? किसके कहने पर कर रहा है तू ये सब? कमिश्नर ऑफ पुलिस, समझ गए? I'm Jayant Swami, ACP Special Branch. ये एक अंडरकवर ऑपरेशन है अल्बर्ट के लिए। आम इंसान को गुंडे तंग करें तो उन्हें भी पुलिस छोड़ती नहीं है। इसने तो पुलिस को मारा है, तो हम इसे जिंदा कैसे छोड़ सकते हैं? इसीलिए मैंने उन सबको बीच सड़क में मारा है। ईमानदार पुलिस वाले को मारकर ये लोग खुद को शेर समझते हैं सर। आज उसी ईमानदार पुलिस वाले के लिए इन्हें खत्म करना उतना ही जरूरी है। आज के बाद इस शहर का हर एक गुंडा, हर एक बदमाश पुलिस से आंख मिलाने से पहले डर के मारे कांप जाएगा, तभी इस वर्दी की इज्जत रहेगी। ये खत्म तो इस शहर का जुर्म भी खत्म। तुझे क्या लगता है मुझे मारने से गुंडागर्दी खत्म हो जाएगी? आगे भी ये चलता रहेगा, ऐसा फिर होगा। अपनी मौत को देखकर हमें डरा रहा है? आज से तेरी कहानी खत्म। चाहे कोई भी सामने आ जाए, उसका अंजाम यही होगा। सबकी बुरी तरह से बजी पड़ी। शहर के सारे बिजनेसमैन को फोन लगा पकिया, अभी बहुत माल आने वाला है। जब तू पुलिस के पास गया तभी तुझे उड़ा देना चाहिए था। तेरी वजह से हमारा खास आदमी भवानी मारा गया। उसको मारने वाले सब इंस्पेक्टर को हमने ऊपर पहुंचा दिया, तो उसकी वजह से पुलिस ने भवानी और उसके सारे आदमियों को मार डाला। इस बार माफी की कोई गुंजाइश नहीं। जिस पुलिस वाले ने भवानी को मारा है वो अब जिंदा नहीं बचना चाहिए। मैंने ब्रिज क्रॉस कर लिया है, 2 मिनट में आ जाऊंगा। ठीक है मां। यार कल तो तूने पी भी नहीं थी, तो फिर तेरी बीवी ने तुझे क्यों पीटा? क्यों जले पे नमक छिड़क रहा है? हुआ ये कि कल मैं और मेरी बीवी मंदिर गए थे, तभी अचानक एक बंदर ने हमारे सामने से रोड क्रॉस किया। ठीक है। उसे देख के मेरी बीवी बोली, देखो देखो तुम्हारा रिश्तेदार कैसे रोड पर आवारा घूम रहा है। अब ये सुन के मैं क्या चुप बैठता? मेरी खसक गई, मैंने बोला ससुर जी पाए लागू, बस फिर क्या।
अबे तू भी ना, मुंह बंद नहीं रख सकता अपना। अरे अपनी भी तो प्रेस्टीज का सवाल बन चुका था यार। कैसे हो बेटा, सब ठीक है ना? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। Hey, कैसी हो मौसी जी? ये भैंस दिन में कितना लीटर दूध देती है? अरे बेटा ये भैंस नहीं, ये तो गाय है। अरे मौसी जी वो तो मैं भी जानता हूँ, मैं तो दूध निकलने वाले इस भैंसे की बात कर रहा था। hey! इतने प्यार से मेरी तरफ ना देखो, गाय नाराज हो जाएगी। अरे दूध निकालो नहीं तो अंदर चला जाएगा। 12वीं के बाद 5 साल तू हॉस्टल में रहा, उसके बाद के 5 साल ट्रेनिंग और नौकरी की वजह से हमसे दूर रहा। तुझे हमारी परवाह है भी या नहीं? हमें डायबिटीज है या ब्लड प्रेशर है, हम कौन सी दवाई खाते हैं, दिन में कितनी बार खानी पड़ती है, तुझे कुछ पता होगा ही नहीं, है ना? आपका बड़ा बेटा है ना इन बातों का ख्याल रखने के लिए। हाँ हाँ, मेरा बड़ा बेटा मेरी आंखों का तारा है। तू तो सिर्फ पैसे भेजता है, पर घर की हर जिम्मेदारी चाहे छोटी हो या बड़ी, ये सेल्वम ही हमेशा उठाता है। माँ आपके बड़े बेटे को लोग सिर्फ यहाँ जानते हैं, कभी मदुरई आकर मेरे बारे में लोगों से पूछिए, वो कहेंगे धन्य है वो माँ जिसने ऐसे संस्कारी बेटे को जन्म दिया। मेरे नाम की माला जपते हैं। वाह, अपने मुंह मियां मिट्ठू होना कोई तुझसे सीखे। माँ जय को कम से कम चैन से खाना तो खाने दो। अरे मेरे लिए जरा दाल लेकर आओ। सुनो तुम मेरी बात मानो, यहीं रहो आराम से एक राजा की तरह। अरे राजा ही तो है आजकल त्रिची में अपना साम्राज्य फैलाया हुआ है, आप इतना चौंक क्यों गए? भवानी और उसके 2 टके के गुंडों ने मदुरई में दहशत फैला के रखी थी, लोगों के नाक कान और सर में दम करके रखा था। फिर क्या हुआ पता है? सीधा एनकाउंटर कर डाला। किसने? ये आपके भाई ने ही तो किया। आप कहाँ रहते हो उससे फर्क नहीं पड़ता, आप क्या करते हो उससे पड़ता है। आपके भाई की वजह से मदुरई के लोग टेंशन फ्री हो गए। मेरे दादा रामास्वामी एक फ्रीडम फाइटर थे, उन्हें 4 बार मिनिस्टर बनाया गया था, एकदम ईमानदार और नेक आदमी थे। पुलिस स्टेशन में तुमने मेरा नाम क्यों लिया? इसलिए क्योंकि परम मेरा अच्छा दोस्त है, उसे छुड़ाने के लिए। नाम कमाने में इंसान को सालों लग जाते हैं, पर उसी को मिट्टी में मिलाने के लिए 1 मिनट भी नहीं लगता। मुझे माफ कर दीजिए पिताजी, आज के बाद मैं अपने मतलब के लिए कभी आपका नाम इस्तेमाल नहीं करूंगा। उसके बाद से मेरे पापा ने खुद को पॉलिटिक्स से दूर रखने का फैसला किया। मेरे दादा के गुजर जाने के बाद कई पॉलिटिशियंस ने मेरे पापा को उन्हें सपोर्ट करने को कहा, पर उन्होंने मना कर दिया। क्या मैं बाहर वाला हूँ जीजाजी? आपके पिताजी के बाद क्या हम में से कोई पॉलिटिक्स में नहीं जाएगा? मुझे माफ करना चिन्ना, मैंने अपने पिता से वादा किया था कि मैं पॉलिटिक्स में कभी नहीं जाऊंगा। वादा तोड़ने की कोई जरूरत नहीं है, मैं आपके बेटे सेल्वम। चिन्ना मामा ने मुझसे पूछे बिना मेरे लिए फैसला कर लिया। उस दिन से मेरी जिंदगी पूरी बदल गई। चिन्ना मामा को जिताने के लिए मैं हर दरवाजे पर वोट मांगने गया। तब मैंने जाना कि लोग मेरे दादा की कितनी इज्जत करते हैं। उस इलेक्शन में मेरी वजह से चिन्ना मामा जीत गए। अगले 4 सालों में उन्होंने दौलत, शोहरत और रुतबा कमाया। ऐसे पैसे और पावर का क्या फायदा? हमारी बिरादरी के लोग सिर्फ रामास्वामी के परिवार को ही पूछते हैं। जो भी हो, अगर वो परिवार आपकी मदद नहीं करता तो आप इलेक्शन नहीं जीतते। रामास्वामी के परिवार को अपनी तरफ करना ही होगा। तुम जाके सेल्वम के दिमाग में पॉलिटिक्स का कीड़ा छोड़ो। इस इलेक्शन में तुम्हारे लिए करोड़ों रुपए बहा दूंगा। अरे गहरे तुम्हारे दादा का नाम लेके जीत जाते हैं, फिर तुम खुद इलेक्शन क्यों नहीं लड़ते? तुम अगर लड़ना चाहते हो जरूर लड़ो, लेकिन एक बात याद रखना, पॉलिटिक्स में कमाया 1 रुपया भी मेरे घर में नहीं आना चाहिए। और हाँ, मुझसे किसी भी तरह की मदद की उम्मीद मत रखना। ठीक है पापा। मैं ये सोच के इलेक्शन में खड़ा हुआ कि मिस्त्री सेठ मेरा पूरा साथ देंगे, लेकिन उन्होंने मुंह मोड़ लिया। उस वक्त मेरे दोस्त लाल ने मेरी मदद की और दिन रात मेरे लिए प्रचार किया। मैंने हर बड़े के पैर छुए, उन्हें इज्जत दी, लेकिन मेरे दादा के नाम के बावजूद चिन्ना मामा के पैसे की ताकत के आगे मैं टिक नहीं पाया। वो भारी मेजोरिटी से जीत गए। सिर्फ नाम के जोर पर कोई जीत नहीं सकता सेल्वम, पैसों की भी जरूरत पड़ती है। ये 1000 का नोट रख लो, ये तुम्हें पैसों की याद दिलाता रहेगा। हारने के कम से ज्यादा हर ऐरे कहरे की नसीहत मानो मुझे कांटे की तरह चुभती थी। जो भी होता है अच्छे के लिए होता है सेल्वम। पॉलिटिक्स आसान चीज नहीं होती। तुम्हारी इलेक्शन हारने की वजह से मेरी सहेलियाँ मुझ पर हंस रही थीं। पॉलिटिक्स आप जैसे लोगों के लिए नहीं बनी है भैया। सब कह रहे हैं कि तुम्हारी हार एक तरह से रामास्वामी की हार है। अपने खानदान पर कोई कलंक ना लगे, इसीलिए मैंने कभी पॉलिटिक्स ज्वाइन नहीं की। पॉलिटिक्स में कुछ बड़ा करने की चाह ने मुझे अंदर से झकझोर दिया था। मैं हर उस इंसान को नीचा दिखाना चाहता था जिसने मुझे जलीकट्टी सुनाई थी। पॉलिटिक्स में पैसों की अहमियत को मैं जान चुका था, इसीलिए मेरे दोस्त लाल ने मुझे भवानी से मिलवाया। हमने शहर के हर बिजनेसमैन से पैसे मांगने शुरू किए, जो पैसे नहीं देता हम उसका कत्ल कर देते। इलेक्शन लड़ने के लिए हमने बिजनेसमैन से 30 करोड़ रुपए वसूल लिए थे। उसके बाद मैंने लाल को जानबूझकर चिन्ना से नजदीकियां बढ़ाने को कहा। अब मैं चिन्ना के करप्शन के सारे पैतरे अच्छे से जान गया हूँ। मैंने ठान लिया कि अब मैं मिनिस्टर बन के ही दम लूंगा। सुनिए सुनिए, आपका फोन। हेलो सेल्वम, जिस पुलिस वाले ने भवानी और उसके आदमी को मारा वो और कोई
नहीं बल्कि जानता हूँ मेरा भाई है। अब हम क्या करें? उसे सिर्फ सब इंस्पेक्टर के मर्डर के बारे में पता है। कल वो त्रिची वापस जा रहा है, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। रखता हूँ। ठीक है। कई दिनों से लापता आरके ज्वेलरी के मालिक और न्यू पॉलिटन क्लब के चेयरमैन रत्नाकर जी की लाश को सुबह हाईवे पर बने ब्रिज के नीचे चटाई में लिपटा हुआ पाया गया। पुलिस एक बार फिर से सवालों के घेरे में आ गई है। आओ एसीपी जय, हमें लगा भवानी की मौत के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन हमारा सोचना गलत था। मेरा दोस्त उनका शिकार बन गया। सुनो जय सर, मैं चाहता हूँ तुम इस केस को ऑफिशियली हैंडल करो। यस सर। बताया नहीं तुम्हारी पोस्टिंग हो गई है? हाँ, सडन अपॉइंटमेंट। ओके ओके ओके, डिस्टर्ब नहीं करूंगी, बाद में बात करती हूँ। ओके। आवर फर्स्ट मूव, शहर के टॉप बिजनेसमैन के साथ मीटिंग करनी होगी। ये मीटिंग अरेंज कीजिए। मैं जयंत स्वामी हूँ, असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस। इस केस को अब मैं हैंडल कर रहा हूँ। आप लोगों का डर ही उन लोगों की ताकत है। पिछले हफ्ते मिस्टर रत्नाकर के मर्डर के बाद हमने जाना कि भवानी के ऊपर कोई मास्टरमाइंड है। आई एम गेसिंग जल्द ही आप सबको धमकी भरे फोन आएंगे। डरने की जरूरत नहीं, प्लीज इन्फॉर्म मी। पुलिस को बताया था इसलिए रत्नाकर मारा गया। क्या गारंटी है कि हम नहीं मारे जाएंगे? आपको बचाने के लिए हमने अपना एसआई नहीं खोया? आपकी सेफ्टी हमारे लिए सबसे जरूरी है, ये बात ध्यान में रखिए। हमारे पास उन्हें पकड़ने का एक ही जरिया है, आप लोग। आपके सपोर्ट के बिना हम उन्हें नहीं पकड़ सकते। प्लीज कोऑपरेट विद अस। हे सेल्वम, तूने बोला था तेरा भाई हमारे मामलों में टांग नहीं अड़ाएगा, वो तो हमारे पीछे पड़ गया है, हम सब फंस जाएंगे। एक काम कर सेल्वम, सबसे पहले उसको ठोक। भाई ऐसा मत कीजिए भाई। ए, तू क्या बक रहा है भाई? एक मामूली एसआई को मारा तो पूरी पुलिस फोर्स हमारे खिलाफ हो गई। सोचो अगर एक एसीपी को मारेंगे तो हमारे साथ क्या हो सकता है? रिस्क बहुत बड़ा है भाई। सुनिए, आते वक्त चिंटू के लिए केक लेते आइए। हाँ लो, पापा से बात करो। पापा मेरे लिए केक लाओ ना। बेटा दोपहर को जब मैं घर आऊंगा तो लेते हुए आऊंगा, ठीक है ना? बाय बेटा। मेरी बात सुन सलम। सुन लाल, 6 महीने बाद इलेक्शन है, तब तक बिजनेसमैन से जितना माल वसूल सकते हैं वसूलेंगे। इससे पहले कि मेरे भाई को पता चले हम काम को खत्म कर देंगे। हाँ बोलिए। क्या सर, पुलिस मीटिंग करने जा रहे हैं? आप कौन? वही जिसने 5 बड़े बिजनेसमैन की लाशों को ब्रिज के नीचे सड़ने के लिए छोड़ दिया था। जल्दी से 2 करोड़ का इंतजाम करो, नहीं तो तुम्हारी लाश भी ब्रिज के नीचे सड़ते हुए मिलेगी। सर मेरी मानो तो इस बारे में पुलिस को बता दो। जरा ये सोचो, पुलिस मीटिंग से निकलते ही हमें उन बदमाशों का फोन आ गया। उनका कोई आदमी तो पुलिस में बैठा है। कहना क्या चाहते हो, हम क्या करें? फोन आते साथ हम अपनी मेहनत की कमाई उनके हाथ में रख दे? मेरे पास एक अच्छा आइडिया है। बताइए। इस शहर के बाहर मैं एक बड़े भाई को जानता हूँ, उसका नाम भी मदुराई के भवानी भाई जितना ही बड़ा है। अगर उससे मदद मांगे तो वो हमारा पीछा इनसे छुड़वा सकता है। सर उनकी तो जवान बेटियां हैं, क्यों मुसीबत मोल ले रहे हैं? मुझे लगता है आपको पैसे दे देने चाहिए। रिस्क मत लीजिए, जान से बढ़कर कुछ नहीं है। चलिए। जय। हाँ भैया। कहाँ जा रहा है? कुछ काम से जा रहा था। मैंने अपनी कार सर्विसिंग में दी है, मुझे जरा मार्केट तक छोड़ो। हाँ, चलिए ना। हाँ माँ। तुम्हारे पापा की दवाइयां खत्म हो रही है, लौटते वक्त लेकर आ जाओगे? ठीक है माँ। इतनी रात को कहाँ जा रहा है? एक बिजनेसमैन किडनैपिंग केस में पैसे की लेन देन होने वाली है, वहीं इन्वेस्टिगेट करने जा रहा हूँ। बस बस यहीं मोड़ पर रुक दे, यहीं। चल जल्दी आना भैया। हे आदि। हाँ भाई। मेरे भाई का पीछा करो और मुझे खबर देते रहना। ठीक है भाई। आज की मीटिंग कैंसिल कर दे। क्यों, क्या हुआ? मेरे भाई को हवा लग गई है। इम्पॉसिबल, बिजनेसमैन ने अपने मुंह से एक शब्द भी नहीं बका होगा। एक नंबर का फट्टू है साला। ए तू कैंसिल कर। भाई। मेरे भाई ने मुझे खुद बताया कि उसे इसकी खबर मिल चुकी। सर
आज की मीटिंग कैंसिल करनी होगी। लेकिन मैंने तो किसी को कुछ नहीं बताया। कैंसिल करनी पड़ेगी। फिर कब मिलना होगा? फोन करके बताऊंगा। कहाँ है वो? रेसिडेंसी होटल, एक लड़की के साथ है। कहाँ? रेसिडेंसी? हाँ भाई। कहो तो वीडियो शूट कर लूँ। पागल है क्या? वापस आ। ठीक है भाई, काफी पहले तुमसे कहना चाहता था, सोचा बाद में बता दूंगा। क्या हुआ सेल्वम, तेरा भाई तुझे टोपी पहना के कहीं और चला गया? हाँ, लड़की से मिलने जा रहा है तो क्या मुझे सच बताएगा? ए, उस मनोज सेठ से कल की मीटिंग फिक्स कर ले। ठीक है भाई। खाली फोकट टेंशन दे दिया। गुंडा था तब आवारा कुत्ते जैसे छू छू भागो यहाँ से करती थी। जैसे ही पता चला पुलिस वाला है, पालतू पपी की तरह गले लगा लिया। ये कुत्ता पहले घाट का था, अब उसके घर का हो गया है। सौम्या, मत कर ज्यादा फ्लर्ट वरना दिमाग में भर जाएगी डर्ट, और कुछ दिन बाद तेरा दिल हो जाएगा हर्ट। अगर कर दी तूने अपनी लिमिट क्रॉस तो कर दूंगा तुझे आउट ऑन अ फुल टॉस। बेचारे की थोड़ी फैमिली प्रॉब्लम है। खो ना दे तू अपना होश, बड़ी पते की बात बोल रहा हूँ मैं तुझे, जरा ध्यान से सोच। सौम्या बोलो ना, बुरा तो नहीं मानोगी ना? नहीं मानूंगी, तुम बोल दो। जरा पास आओ ना। बिल भर दोगी ना? मैं पैसे नहीं लाया। सर, सीधा चल और लेफ्ट ले। गाड़ी यहां से आगे निकल गई। वो आ रहा है भाई। राइट में जो पावर ग्रिड है जल्दी वहां पहुंच। पहुंच रहा हूं सर। हाँ बोल महेश। भाई कार क्रॉस कर गई। फोन रख। ठीक है। बाबू भाई, मनोज सेठ तुझे क्या लगा कोई कल का लौंडा तुझे धमका रहा है जिसका मुंह तू भाड़े के कुछ टट्टू लाके बंद कर देगा? नहीं सर। हाँ नहीं सर। तुझे क्या लगा भवानी के जाने के बाद सब खत्म हो जाएगा? भवानी मेरा आदमी था, समझा? हे हाँ भाई। एक रोकड़ा तो पूरा है ना? हाँ। मनोज सेठ सर, तुझे तेरे किए की सजा मिलेगी। सर मैं तुझे एक लिस्ट दूंगा, उसमें से हर एक बिजनेसमैन से तू दो खोखे लेगा और सीधा मुझे लाके देगा। तुझे हम कॉल करके बताएंगे कब और कहां आना है। आपको लगता है मैं फेंक रहा हूं? वो दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ के आंखों में आंखें डाल के डुएट गा रहे थे।
इस तरह कोई कवारी लड़की कोई लड़के के पीछे पड़ जाए तो अच्छा लगता है, इसलिए मैं तो कहता हूँ दोनों का रिश्ता तय कर दो वरना दो के तीन हो जाएंगे। प्रपोज उन्होंने पहले ही किया था पापा, पर दीदी ने हाँ ना कुछ भी नहीं कहा। उसने कहा आप जैसा कहेंगे वो बिल्कुल वैसा ही करेगी। भाभी आप सिर्फ एक बार हाँ तो कह दीजिए, फिर देखिए कैसे अपना बोरिया बिस्तर बांध के अपने मम्मी पापा को छोड़ के यहाँ पे आके जम जाएगी। एक्चुअली पापा वो आपसे बात करना चाहते थे पर दीदी ने साफ मना कर दिया। अरे हाँ, तुमने कहा था ना कि उन्हें जात पात की कोई परवाह नहीं। हाँ, कहा था। जात पात से परहेज ना हो तो उनसे जाकर मिल लेंगे और सब कुछ ठीक ठाक रहा तो रिश्ता पक्का कर देंगे। ओके पापा, आई विल अरेंज। लड़की अच्छे घर की है। ठीक है, मिल लेते हैं। हाँ सर बोलिए। क्यों बे, पूरा पैसा रेडी हो जाएगा ना? सर बिल्कुल रेडी हो जाएगा सर, बस मुझे दो लोगों से और लेने हैं, वो आज रात को मुझे दे देंगे। अगर आप बता दें कि पैसे कल कहाँ पहुँचाने हैं तो मैं उन्हें लेकर पहुँच जाऊँगा। ठीक है, पैसा कहाँ लाना है रात को फोन करके बताऊँगा। ठीक है सर। हाँ बोल भाई। पैसा आज रात तक रेडी हो जाएगा। बोलिए उसे कहाँ बुलाना है। बाद में बताता हूँ। सर सर इधर इधर आइए, इधर आइए, इस तरफ। नमस्कार। नमस्ते। ये मेरी पत्नी है जी। ये मेरा बड़ा बेटा है। नमस्कार। इसका फूलों को एक्सपोर्ट करने का कारोबार है। ओ, बहुत अच्छी बात है। मेरे घर में मैं और मेरी दो बेटियां हैं बस। बड़ी बेटी सिर्फ 12 साल की थी जब मेरी पत्नी गुजर गई। वैसे मैं नहीं चाहता कि मेरी बेटी की शादी एक पुलिस ऑफिसर के साथ हो, फिर भी यहां आया क्योंकि मेरी बेटी आपके बेटे को बहुत पसंद करती है। सर पुलिस ऑफिसर से आपको क्या प्रॉब्लम है? अगर आज हम चैन से जी रहे हैं तो सिर्फ पुलिस की वजह से। मेरा भाई कड़ी मेहनत करके पुलिस ऑफिसर बना है, आपको तो खुश होना चाहिए। मनोज जी आपको पुलिस वाले अच्छे नहीं लगते? ऐसी बात नहीं सर, बस मैंने आपसे अपने दिल की बात कह दी। देखिए सर, हमारी रगों में रामा स्वामी का खून है। मेरे दोनों बच्चे बिल्कुल अपने दादा पर गए। मेरे छोटे बेटे जैसे शादी करने के बाद आपकी बेटी बहुत खुश रहेगी, इस बात का मैं भरोसा दिलाता हूँ। ठीक है सर, एक अच्छा सा दिन देख के बच्चों की सगाई कर देते हैं। आपने तो दिल खुश कर दिया, इसी मैंने फिक्स कर देते हैं जी। ठीक ठीक है, तो अब हम चलें। अच्छा अच्छा जी, नमस्कार। नमस्कार। बेटा नमस्ते। बोलिए ना अंकल। क्या हम अभी 10 मिनट के लिए मिल सकते हैं प्लीज? क्या बात है अंकल, मम्मी पापा ने रिश्ते के लिए ना कर दिया? नहीं ऐसी कोई भी बात नहीं है बेटा। ओके, मुझे तुमसे कुछ और बात करनी है। हाँ ठीक है ना, आप ऑफिस आ जाइए। ठीक है, पहुंचता हूँ। एक्सीडेंट स्पॉट से बोल रहा हूँ सर, कार को टक्कर मारने के बाद लॉरी वाला यहाँ से भाग गया है। और सर एक्सीडेंट के वक्त जो लोग यहाँ मौजूद थे वो मनोज सेठ को उठाकर यहाँ पास के हॉस्पिटल में ले गए सर। किसी ने गाड़ी का नंबर नोट किया है? सर लॉरी यहीं पर है, वो लॉरी छोड़ के भाग गया है। होश आ गया मनोज सेठ, मैंने तुझे मरने के लिए नहीं छोड़ा। खैर अब तो मेरा भाई ही तेरा काल बन के खड़ा हुआ है। अगर मेरा भाई तेरी बेटी से नहीं मिला होता और अगर तूने अपनी बेटी की पसंद के लिए हाँ नहीं बोला होता तो आज तेरे मरने का प्लान ही नहीं बनता। मुझे
मुझे मारिए मत। मैंने मैंने किसी से कुछ नहीं कहा है। मैं... उनकी मौत से कुछ घंटे पहले उन्होंने मुझे फोन किया था। पता नहीं वो मुझसे क्या कहना चाहते थे। मिलने से पहले ही क्या उन्होंने तुमसे ऐसी कोई बात कही थी? 2 हफ्ते पहले पापा बहुत ही अपसेट थे। जब मैंने वजह पूछी तो बिजनेस इशू कह के टाल दिया। उनकी किससे दुश्मनी हो सकती है? पता नहीं जय, आखिरी बार मेरी उनसे फोन पर बात हुई थी तब उन्होंने मुझसे कहा था, फिक्र मत करो, मैं तुम्हारा रिश्ता पक्का कर दूंगा। जाने से पहले मैं उनसे एक बार भी नहीं मिल पाई। I miss my dad. सोनिया, रुक, चुप हो जा। सर, मुझे आपको कुछ बताना है सर। बोलो। सर, भवानी को अरेस्ट करने के 5 दिन बाद कामधेनु मिल्स के मालिक रत्नाकर जी को एक धमकी भरा फोन आया था। हमें मिली इन्फॉर्मेशन के मुताबिक हम उन्हें बिना बताए ही उनकी कार को फॉलो करते गए, पर शायद उन बदमाशों को हमारे आने का पता चल गया होगा, इसलिए उन्होंने मीटिंग कैंसिल कर दी। अगले ही दिन हमें रत्नाकर जी की लाश मिली। शायद उन लोगों को पता चल गया होगा कि रत्नाकर जी ने हमें इन्फॉर्मेशन दी है, इसलिए उन्होंने उनकी हत्या कर दी होगी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने हमें सकते में डाल दिया। हमने पुलिस रिकॉर्ड छान मारे पर एक भी फिंगरप्रिंट का मैच नहीं मिला। यहाँ तक कि भवानी के फिंगरप्रिंट तक मैच नहीं हुए। अगर किसी का क्रिमिनल रिकॉर्ड हो तो उसे ढूंढना मुश्किल नहीं होता, लेकिन पब्लिक के बीच मौजूद मर्डरर को ढूंढना बहुत मुश्किल होता है। सर, आपकी बातों से ये तो साफ होता है कि हमारे पास क्लू नहीं है। ऐसे में हम कातिल को कैसे पकड़ेंगे? तुम मुझसे इतना अर्जेंटली क्यों मिलना चाहते थे जय? इस बिजनेसमैन केस को सॉल्व करने के लिए मेरे पास एक आइडिया है सर। कैसा आइडिया? सर, अभी अभी बिजनेसमैन मनोज सराफ के मर्डर के बाद सारे बिजनेसमैन बुरी तरह डरे हुए हैं। अगर उन्हें फोन पर धमकी मिलती है तो वो हमें नहीं बताएंगे। सर, अब तक इस गैंग ने आम पब्लिक, पॉलिटिशियंस, जजेस, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स या आर्मी ऑफिसर्स को टारगेट नहीं किया। उनका मेन टारगेट बिजनेसमैन है। सो व्हाट? सर, हमारे शहर में बड़े बिजनेसमैन कुल मिलाकर कुछ 60-70 होंगे। अगर उन्हें बिना बताए हम उनके फोन टैप कर लें तो गैंग जब भी फोन करेगी हमें अपने आप पता चल जाएगा। फिर उस बिजनेसमैन को फॉलो करके हम उस गैंग को पकड़ सकते हैं सर। ये तुम क्या कह रहे हो जय? अगर ये बात लीक हो गई तो बड़ा इश्यू बन जाएगा। सर, ये हमारा सबसे बड़ा ट्रम्प कार्ड बन सकता है। प्लीज सर। ओके, लेकिन किसी को पता नहीं चलना चाहिए। थैंक यू सर। सर, एक और रिक्वेस्ट है। अब क्या? हमारी फोर्स से मुझे कुछ 200 रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर्स की जरूरत पड़ेगी सर। रिटायर्ड? वो किस लिए? ये मैं बाद में बताऊंगा सर। ओके, आई विल अरेंज। थैंक यू सर। किसी भी कॉल पर डाउट हो तो मुझे इन्फॉर्म करना। जब तक ये ऑपरेशन पूरा नहीं होता, नो पर्सनल लाइफ, नो रेस्ट, नो फोन कॉल्स, सब भुला के इसी पर ध्यान दो। जय, तुम उसे कुछ बात करना चाहता था? हाँ भैया। हाँ बोल। ये बिजनेसमैन केस सॉल्व करने के लिए मुझे अपॉइंट किया गया है। ये मैं जानता हूँ। क्या डर लग रहा है? डर तो है। डरता हूँ कि हमारे या आपके परिवार के साथ कुछ बुरा ना हो। मेरे लिए वो आपको टारगेट करेंगे। बाहर जाते वक्त जरा चौकन्ने रहिए, अपना ख्याल रखिए और अपने परिवार का। हे, तू बेकार में टेंशन ले रहा है। नहीं भैया, खतरे को अनदेखा नहीं कर सकता। वो लोग राक्षस हैं, उनमें बिल्कुल इंसानियत नहीं है। साले साइको हैं। उनके जितने करीब पहुंचूंगा उनका कमीनापन उतना पड़ेगा, पर वादा करता हूं उन्हें पकड़ कर रहूंगा। मुझे तुझ पर पूरा भरोसा है, तू उन्हें पकड़ लेगा। तू अपनी ड्यूटी कर, बाकी सब मुझ पर छोड़ दे। ओके भैया, चल जा। क्या सर, सुबह मैंने आपको मेल भेजा था, देखा क्या? हाँ देखा ना, मैंने पैसों का इंतजाम कर दिया है। कहाँ लेकर आऊँ? 11 बजे तुम्हें फोन करके बताऊंगा, तुम बस रेडी रहना। हेलो। हाय। पैसों का इंतजाम हो गया है। अच्छी बात है, मैं थोड़ी देर में आता हूँ, फिर देखते हैं। रियली? खबर पक्की है ना? बिल्कुल पक्की है सर। फिर से कब फोन करने वाले हैं? रात को 11 बजे सर। ओके, मैं अभी आया। कल रात धमकी भरा ये फोन कॉल आया था 8:30 बजे और अभी भी उसी नंबर से फोन आया था।
कॉल कट हो गया सर। मणिशंकर जी, सर रिटायर्ड पुलिस टीम आने वाली थी, कहाँ है? आपका वेट कर रहे हैं सर। इस ऑपरेशन के लिए आपको चुना क्योंकि आप आम लोगों के साथ आसानी से घुल मिल सकते हैं, लेकिन आप में पुलिस वाले का जिगर है। धमकाने वाली गैंग बिजनेसमैन को शहर के बाहर एक बैग में पैसे लाने को कहती है। शहर से बाहर जाने के 6 रास्ते हैं, थेनी, दिंदीगुल, शिवगंगा, नाथम, विरुद्धनगर और तुतिकोरिन। हम ये नहीं जानते कि वो कौन सा रास्ता चुनेंगे, इसलिए अगर हम उनकी कार को फॉलो करें तो रास्ते पर मौजूद उनके खबरियों को शक हो जाएगा। इसीलिए हम हर जंक्शन पर अपनी कार बदलेंगे ताकि हम पर कोई शक न करे। अगर आप मुझे इन्फॉर्मेशन देते रहें तो मुझे गैंग का पीछा करने में काफी आसानी होगी और शायद ये केस सॉल्व हो जाए। फाइनली आपके सपोर्ट के साथ आज हम उस गैंग को पकड़ेंगे। यस सर। हाँ ठीक है, मैं आ रहा हूं। सर सुहास सेठ अपने घर से निकल चुके हैं। ओके। वो अपने घर से निकल गया है। ठीक है चलो भाई, वो आगे बढ़ रहा है, सब अपने प्लान के हिसाब से हो रहा है। हेलो सुन, शेवरले है सिल्वर कलर की, मैं देख लेता हूँ। हेलो, कार ब्रिज क्रॉस करके राइट में देख। ओके, सीधा चलो। गाड़ी पीछा कर रही है। गाड़ी नंबर क्या है? 2696 व्हाइट इंडिका। ठीक है मैं देखता हूँ। क्रॉस कर रही है। ठीक है। गाड़ी जा चुकी है। अच्छा डाल अड्डे पर चल। ठीक है। हे सेल्वम, क्या तेरा भाई आ रहा है? पब्लिक छोड़ेगा नहीं। सेल्वम क्या करो? ए कुछ नहीं होगा यार, आ रहा है गाड़ी चला। ए ए दूसरे रास्ते से निकल। ठीक है भाई, ठीक है। हेडलाइट्स की रोशनी के हमारे चेहरे दिखाई देंगे, तू चल।
चल 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 गाड़ी से निकल जल्दी कर चल चल भाग 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 भाग, भाग। मणिशंकर जी यस सर वो लोग जैनपुरम इलाके में घुस गए फैल जाओ मूव अरे वो सामने इसे हॉस्पिटल लेकर जाओ वहां भी एक आदमी जख्मी हालत में पड़ा है भैया भैया आप यहां कैसे तू उसको पकड़ जल्दी जा बसंत सर इन्हें अभी हॉस्पिटल लेकर जाओ ओके सर हमें उस आदमी को पकड़ना है कम ऑन आराम से दर्द हो रहा है तुम अकेले थिएटर गए थे अपने दोस्त के साथ गया था सर दोस्त का नाम जी विनोद कहाँ है वो कल रात की गन फायर में वो मारा गया सर वैसे तू तो जानता है मेरा फूलों का बिजनेस है हमें सुबह के 2 बजे अपनी ट्रक्स लोड करनी पड़ती है नींद नहीं आ रही थी इसलिए मैं लेट नाइट शो देखने चला गया क्या आपने गोली चलाने वाले का चेहरा देखा अच्छे से देख नहीं पाया उसके आगे जो भी आ रहा था उस पर गोली चला रहा था उसने जब गोली चलाई तो मैंने डर के मारे अपना चेहरा हाथ से ढक लिया था बच गया वरना गोली छाती में घुस जाती अपना ख्याल रखिए हाँ पापा भैया के साथ हाँ। हाँ भाई बोलो ना आदित्य कैश लेके आ गया हाँ आ गया अपना लाल पकड़ा गया जानता हूँ भाई वो दर्द बर्दाश्त नहीं कर सकता अपना मुंह खोल देगा इससे पहले पुलिस उसका मुंह खोले उसे उड़ा दो क्या कह रहे हो मार डालो पर ये काम कोई अपना आदमी नहीं करेगा ठीक है
Hey, नहीं नहीं, don't shoot, don't shoot. सर आप लाल को लेकर जाइए, बाकी हम संभालते हैं. ओके, जल्दी ऑटो में बैठाओ. इसे कमरे में बैठो. ओके सर. मैं बस अभी आया. सर, एट ईज बॉयज, सब कुछ ठीक है ना? हाँ सर. थैंक यू. ये हमारा फर्ज है सर. सॉरी दोस्त. कोई बात नहीं सर, ये मेरी ड्यूटी है. सर ये मेरी गलती है, मुझे संभाल के वार करना चाहिए. ओके, थैंक यू बॉयज, जरूरत पड़ी तो फिर बुलाऊंगा. ठीक है. ओके सर. चलो. तूने इतना सारा ड्रामा क्यों किया? जिससे इंक्वायरी कर रहे हैं वो मामूली बंदा नहीं है, वकील है. उसे थर्ड डिग्री नहीं दे सकते, उसे खुद अपने मुंह से सब उगलना होगा. दुनिया का सबसे बड़ा दर्द होता है अपनों से खाई चोट, इसीलिए ये नाटक किया. सोचेगा मेरे अपने आदमी मेरे जान के दुश्मन क्यों बने हैं. ये सवाल उसे परेशान करेगा और मेरे अंदाजे से डर के मारे अब वो सब सच बता देगा. चलो. तुम्हारे दो बच्चे हैं ना? अगर तुम्हारे आदमी तुम्हें मार देते तो वो अब तक अनाथ हो जाते. ये अच्छा नहीं हुआ. सर मैं जानता हूं, चाहे जितनी पूछताछ करूं, चाहे जितना मार लूं, तुम नहीं बताओगे असली मास्टरमाइंड कौन है. लेकिन बताऊंगा, सब कुछ बताऊंगा. क्या बताओगे? यही कि वो और कोई नहीं बल्कि तुम्हारा. हे, कौन है तू? क्यों मारा इसे? पैसे मिले थे. किसने? हेलो अंकल, मैं कब से जय को फोन लगा रहा हूँ लेकिन वो उठा ही नहीं रहा है. अंकल आज हम एक मुजरिम को अपने साथ पुलिस स्टेशन लाए थे लेकिन वो मर गया. मर गया? मार डाला उसे. लेकिन जय उसी केस में उलझा हुआ है. वो जैसे ही फ्री होगा आपको उसे फोन करने बोल दूंगा. हेलो, क्या हुआ? लाल का काम तमाम हुआ? हाँ हो गया. पापा आप ये क्या कह रहे हैं? मैं कुछ समझा नहीं. तू लाल को मरवाना चाहता था ना? वो मर चुका है. ये क्या कर दिया बेटा? मेरा बेटा एक कातिल है, ये सुनने से पहले मैं मर क्यों नहीं गया? बेटा तेरे जमीर ने तुझे बिल्कुल रोका नहीं. जमीर वमीर सब फिजूल की बातें. पापा 6 महीने बाद आपका बेटा तमिलनाडु का मिनिस्टर बन जाएगा.
मुझे किसी ने ये सोने की थाली में नहीं परोसा है, बदले में 30 करोड़ रुपए दिए। मामा ने मुझे नीचा दिखाने की कोशिश की। मुझे पॉलिटिक्स में कोई इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन उस मामा ने जबरदस्ती मुझे इस गंदगी की तरफ घसीटा और उसके बाद मिस्त्री सेठ के जरिए मुझे धोखा दिया। मैं ये कैसे भूल जाऊं पापा? मेरा भी दिमाग खराब हो गया था। इलेक्शन में खड़ा हुआ, दादाजी का नाम लेकर मैंने वोट मांगने के लिए दर दर की ठोकरें खाई, लेकिन क्या हुआ पापा? क्या उन्होंने मुझे वोट दिया? नहीं दिया। चंद रुपयों के लालच की वजह से उन्होंने मामा जी जैसे घटिया इंसान को जिताया। दुनिया बदल चुकी है पापा, पॉलिटिक्स यानी पैसा। पापा, आज के जमाने में ये उसूल जमीर की बातें काम नहीं आती। काम आता है तो पैसा और पैसे से मिलने वाली ताकत। बेटा, तेरे दादा ने पैसे नहीं कमाए, फिर भी लोग उन्हें पूछते थे। क्या वो लोग पागल थे? पापा, दादाजी के साथ उनका जमाना भी चला गया। आज दुनिया अलग तरह से चलती है और मैं उसे चलाना जानता हूं पापा। मुझे बस आने वाले इलेक्शन में मेजॉरिटी के साथ जीतना है। पापा, आपने कुछ भी नहीं सुना। पापा, आपने कुछ नहीं सुना, ठीक है? हाँ, ठीक है ना पापा? ये हमारी बीच ही रहेगा, हमारी फैमिली लाइफ कहां से कहां पहुंच जाएगी, है ना? अगर आपको लगता है मैं गलत कर रहा हूं और आप ये जय को बताना चाहते हैं, तो याद रखिए, आपका और दादाजी का नाम मिट्टी में मिल जाएगा। मैं अरेस्ट हुआ तो लोग आपका बहिष्कार करेंगे, हमारे परिवार को लोग गाली देंगे, आपकी बेटी की शादी नहीं होगी। जय को बताने के पहले सोच लीजिए। यही कि वो और कोई नहीं बल्कि क्या वो मिनिस्टर है, कमिश्नर, कोई इंस्पेक्टर है, मेरा दोस्त, वो तुम्हारा। नमस्ते सर। मरने से पहले लाल ने मुझे जो बताया उसके हिसाब से लिस्ट बनाई है। हो ना हो वो मास्टरमाइंड इसी लिस्ट में कहीं छुपा है, किसी को इसकी खबर ना हो। ओके सर। ये वाला रास्ता क्यों लिया है? मुझे क्या पता था। ये एक और इनमें से एक अभी भी जिंदा है, याद है तुझे? ये वही लड़का है जिसे हॉस्पिटल में पूछताछ की थी। अच्छा। ये तेरा भाई और इसके बाद वाला ये मर गया। वैसे हमने इससे भी पूछताछ की थी। इन तीनों आदमियों के बाद साउंड के हिसाब से पहले 2 गोलियां चली, उसके बाद 1, फिर से 2 गोलियां, फिर 1 और। मतलब भैया को 2 गोलियां लगनी चाहिए थी। हो सकता है 1 गोली तेरे भाई को लगी ही ना हो। नहीं, ऐसा होता तो आखिर में जो मरा उसे सिर्फ 1 गोली लगनी चाहिए थी, लेकिन उसकी बॉडी से 2 गोलियां मिली हैं। इस ऑर्डर के हिसाब से इसे यहां होना चाहिए और भैया को यहां। तू अपने भाई पर शक कर रहा है? कपड़े और हाइट मैच करते हैं, हो सकता है भैया ने खुद को गोली मारी हो और दिखा रहे हैं कि उन्हें किसी ने गोली मारी है। लेकिन वो ये सब क्यों करेंगे? हाँ दास बोलो। सर शादी में जरूर आइए। हाँ हाँ जरूर आऊंगा, शादी अगले महीने है ना। ये क्या, एक और कार्ड? सॉरी सर। ये लो। गलती से 2 कार्ड दे दिए। ये तो 2 कार्ड है। अरे 2 कार्ड आते हैं।
सर आपने जितने भी लोगों की लिस्ट दी थी उसमें से सिर्फ आपके भाई के फिंगरप्रिंट्स मैच कर रहे हैं सर। सॉरी सर। थैंक यू दास। मैंने भी भेजे थे, फिर ये कैसे हुआ? या मामा, सोच में पड़ गए हो ना कि टिकट मुझे कैसे मिल गई? आपके सारे काले कारनामों की पोल मैंने हाई कमांड के सामने खोल दी। दरअसल लाल मेरा आदमी था। पैसा ही हमेशा इंसान के काम नहीं आता मामा, नाम भी मायने रखता है। चलता हूँ। आप तो खुश हो ना? भाई, मुबारक हो। आ जाओ। नमस्ते, भाई, नमस्ते। मजा आ गया। मजे करो। हाँ। एक बात बताओ सलमान, मैंने एरिया में 5 रैलियां फिक्स अभी कर दी। हाँ। बहुत अच्छा। हाँ बोलो। आता हूं। मुझे टिकट मिल गई पापा। 6 महीने के बाद आपका बेटा तमिलनाडु का मिनिस्टर बन जाएगा। पापा, आज से गोरख धंधा बंद। आज से मैं दादाजी की तरह ईमानदार पॉलिटिशियन बनूंगा, आपकी कसम खाता हूं पापा। पर काश मेरी कामयाबी देखने के लिए आप जिंदा रह पाते। ए, क्या हुआ? वो आ गया? बस 10 मिनट में वहां आ रहा हूं। आपको मना कर दूंगा फिर भी आप जय को बता ही देंगे। क्या करें, आप अपनी आदत से मजबूर जो हैं। विजय भैया, क्या हुआ माँ? आपने फोन करके बताया कि पापा अभी तक आए नहीं। वो मेरा भी फोन नहीं उठा रहे। तेरे पापा घर आ गए। जय भैया उन्हें घर पे ले आए। तेरे भाई ने मेरे सर पे रॉड से वार किया। सुनो हरी, कहाँ हो तुम? अभी तो पुलिस स्टेशन में हूँ। ओके। इंस्पेक्टर मणिशंकर को बोलो मेरे घर। पुलिस को बीच में मत ला। पापा, इस घर में अगर पुलिस आई तो अच्छा नहीं होगा। हरी सुन। हाँ बोलना।
तू वहीं रुकना, मैं बाद में फोन करता हूँ। ठीक है। क्यों पापा? इसे अरेस्ट मत करना प्लीज। ऐसा हुआ तो तेरे दादा की मान मर्यादा नाम सरेआम नीलाम हो जाएगा। इससे अच्छा तो ये होगा कि मेरे सामने तू इसका गला काट दे। इसकी जरूरत नहीं है जय। सुन, जिस तरह हमारे दादाजी एक महान पॉलिटिशियन थे, मैं भी बस उन्हीं की तरह बनना चाहता हूँ। इस लालच में आपने कितने लोगों को मार दिया। पापा की जान के दुश्मन बन गए। इंसान से हैवान कैसे बन गए? चाहत, नाम कमाने की चाहत। मुझे माफ कर दे जय, मैं तुझे बहुत अच्छे से जानता हूँ। कोई और रास्ता नहीं है ना? ठीक है, मुझे मार डाल। खत्म कर दे, मार मार। नहीं बेटा, बाहर मत जा, मेरी बात सुन, मत जा। मारना। मारेगा मुझे। मार। Hey!
पिछले कुछ महीनों से मदुराई में बिजनेसमैन के लगातार हो रहे मर्डर्स के बीच कल एक और बिजनेसमैन सेल्वम स्वामी का खून हो गया। वो तमिलनाडु के एक्स मिनिस्टर और नामी पॉलिटिशियन रामास्वामी के पोते थे। इन मर्डर्स के लिए जिम्मेदार चार अपराधी मदन, ललित, अब्बास और ख्वाजा को आज सुबह ACP और उनकी स्पेशल फोर्स ने पकड़ लिया था। कोर्ट ले जाते वक्त ये चार अपराधी पुलिस पर हमला करके उन्हें चकमा देके भागने की फिराक में थे। इन सारे अपराधियों को ACP जय ने एक एनकाउंटर में ढेर कर दिया।